हेलो एवरीवन, मैं नीलम, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटियों से बना हुआ रोटी का पोहा। जब कभी घर में रोटियाँ बच जाती हैं तो लगता है इन रोटियों का क्या करें। तो जब भी आपके घर में रोटियां बच जाएं, तो इस मज़ेदार पोहे को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पोहा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। ये रेसिपी बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे रोटियां। ये रात की बची हुई रोटियाँ हैं। मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ ली हैं। इन रोटियों के हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, इसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। रोटियों को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए ही ग्राइंडर चलाना है, हमें इसका एकदम पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो इसका हाथ से भी बारीक चूरा बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से कॉर्सली ग्राइंड करना है। अब हम गैस ऑन करके पैन गरम करने के लिए रख देते हैं। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट होने दें, आप चाहें तो बटर की जगह तेल का यूज कर सकते हैं। बटर में पोहा बनाने से पोहा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, मिला देंगे। साथ ही 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़ी देर इसको पका लेंगे। अब हम प्याज डाल देंगे। मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली है, जिसके इस तरह से लंबे लंबे पीस कर लिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज को इसी तरह चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। आप चाहें तो करी पत्ता को पहले भी डाल सकते हैं। मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि बाद में डालने से करी पत्ता का कलर अच्छा बना रहता है। 1/3 स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/3 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 स्पून गरम मसाला, मिक्स कर देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को प्याज के साथ कम से कम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, प्याज और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो ग्राइंड की हुई रोटी रखी थी उसको इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 कटोरी स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 50 ग्राम मूंगफली के दाने डालेंगे। इन दानों को मैंने पहले तेल में फ्राई कर लिया था, मिला देंगे। 1/2 कटोरी हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। रोटी का पोहा थोड़ा सूखा हो जाता है तो इसके लिए हम थोड़ा सा हथेली में इस तरह से पानी लेंगे और इस पर पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने से पोहा में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, जिससे खाते समय ये गले में नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि पोहा बनकर एकदम रेडी है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।